प्रेगनेंसी में नाभि पर तेल लगाना। तो इसके फ़ायदे आपने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए। प्रेगनेंसी में नाभि पर तेल लगाना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। ये तेल जो है आपके प्रजनन क्षमता को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। हाँ, प्रेगनेंसी में नाभि पर तेल लगाना, वैसे भी नॉर्मली जीवन में नाभि पर तेल लगाना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो मालिश के बाद उनके नाभि पर तेल लगाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि उनसे उनको पोषण मिलता है, अंदरूनी शारीरिक जो एक्टिविटी है वो हेल्दी रहती है, साथ ही उनका जो ऊपरी स्किन है, चाहे वो हेयर हो चाहे वो स्किन हो, उनमें तरोताजगी चमक बनी रहती है। इसलिए हम बच्चे को नाभि पर तेल लगाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में भी नाभि पर तेल लगाया जाता है और उसके भी कई फ़ायदे हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी पर नाभि में तेल लगाने से जिन महिलाओं को नाभि में खुजली की प्रॉब्लम होती है, दर्द की प्रॉब्लम होती है, उन महिलाओं को इन सारी चीज़ों से रिलीफ मिलती है, राहत मिलती है। तो कैसे लगाना है इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे, कौन सा तेल ज़रूरी है, बेहतर है लगाने के लिए, वो भी वीडियो के अंत में जानेंगे। उसके बाद वो इचिंग और पेन से आपको राहत मिलेगी। जो नाभि में आप देखोगे मैल है या फिर गंदगी जमी हुई है तो दो बूंद तेल उसको साफ़ रखता है। तीसरा ये कि नाभि को हाइड्रेटेड रखता है। नाभि पे अगर आप तेल लगाते हो तो नाभि जो है वहाँ हाइड्रेटेड रहता है। फोर्थ ये है कि नाभि पर तेल लगाने से आपकी अंदरूनी पोषण बना रहता है, मतलब अंदरूनी जो शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से सुचारू रूप में काम करता है। साथ ही आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, वो हेयर और स्किन में चमक लाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा तेल हमारे लिए बेहतर होगा तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकती हैं। लेकिन सरसों का तेल ऐसा होना चाहिए जो कि मिल से पिसा हुआ होना चाहिए, ना कि जिससे हम खाना बनाते हैं वो सरसों का तेल, क्योंकि वो सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा मिलावट शुरू हो गई है। वो सरसों का तेल एक प्योर सरसों का तेल नहीं रहता है। तो आप प्योर मिल से पिसा हुआ जो सरसों का पिसा हुआ जो तेल आता है वो आप यूज़ कर सकती हैं। दूसरा, आप चाहो तो नारियल का तेल यूज़ करो, लेकिन नारियल के तेल में भी आपको जो वर्जिन ऑयल आता है, 100% जो वर्जिन ऑयल आता है, ये है मैरिट वीसीओ का 100% वर्जिन ऑयल है ये। और ये जो कोकोनट ऑयल है ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। ये आपके बालों के लिए, चेहरे के लिए, नाभि के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहो तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आप चाहो तो नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हो नाभि के लिए। कब लगाना है? आप रात को सोने के वक्त दो बूंद, सिर्फ दो बूंद नारियल के तेल का यूज़ कर सकते हो। रात में सोने के वक्त पूरी रात वो जो नारियल के तेल के फ़ायदे हैं वो आपके बॉडी जो है अवशोषित करती रहेगी। तो इसलिए नारियल तेल हो या फिर सरसों का तेल प्योर हो, ज़रूर से ज़रूर आप अपने नाभि पर लगाएं दो बूंद। इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी या फिर डिलीवरी में आपको हेल्दी बनाए रखने के लिए दो बूंद तेल आपके लिए कारगर साबित होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।